हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सैटरडे है और अभी हम जा रहे हैं पार्क में मिताक्षी को लेके। देखिए मिताक्षी, कहाँ जा रहे हैं आप? पार्क। चलो। तो आज थोड़ा सा पार्क का सैर करवाते हैं कि पार्क कैसा है और देखते हैं कि यहाँ के पार्क कैसे रहते हैं। तो सैटरडे संडे मुझे ऑफ होता है तो हम नॉर्मली देखते हैं कि यहाँ पे घूमने जाए। बट पास में हमारे एक मिनट के डिस्टेंस पे पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत लंबा पार्क है। तो सोचा कि आज इसके ऊपर व्लॉग बनाया जाए। सो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, पार्क जो है बहुत पास में है और मतलब आज जाम रह रहे ये न्यूनोवा है और बहुत ही खूबसूरत ऐसा प्लेस है, बहुत साइलेंट प्लेस है। जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें तो सिविल लाइन आप कंसिडर कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जाने के लिए और बहुत काम प्लेस है, मतलब आप पंछियों की आवाज़ सुन सकते हैं आराम से, बहुत ही कूल प्लेस है। तो अभी हम पास में पहुंच चुके हैं पार्क के, जैसे आप देख सकते हैं ये पार्क है और बस अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम पार्क के पास में आ चुके हैं और मैं अभी आपको पार्क दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत पार्क है, बहुत ही लंबा है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे आजू बाजू से, बच्चों को खेलने कूदने की हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा मौसम आपको देखने को मिलेगा और हम अंदर तक जाएंगे। ये कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबा है तो अभी इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो पार्क बहुत ही लंबा है और मिताक्षी को हम लेके आते हैं सैटरडे संडे जैसा ही मुझे वक्त मिलता है। और बहुत से बच्चे भी होते हैं, बहुत से यंगस्टर्स भी होते हैं यहाँ पे जो चीज़ों को एंजॉय करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पिजन्स। देखिए दोस्तों, पिजन्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब यहाँ के पिजन्स की एक खासियत है कि ये उड़ेंगे नहीं, आप उनके कितने पास जाइए उड़ेंगे नहीं, ये अपनी धुन में चलते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है दूसरा एंट्रेंस इस पार्क का और ये सीधा लंबा ही लंबा है, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर है दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि यहाँ पे मतलब डॉग्स जो है, स्पेनिश लैंग्वेज में उसको एल पेरो बोलते हैं, मतलब डॉग्स ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। मतलब अगर ऐसा बोले कि 90% लोगों के पास में यहाँ पर डॉग्स है तो वो डॉग्स को घुमाने के लिए लेके आते हैं पार्क में, जैसे कि आप देख सकते हो। देखिए ये डॉग्स है, छोटा सा डॉग है। ऐसे बहुत से डॉग्स यहाँ पे आते हैं घुमाने के लिए। पूरा पार्क में सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम है। बिता खेलते जाते तू? इधर खेलते थे, मम्मी कड़े बैग दून दे, मम्मी कड़े बैग दून देना। अगर बैग सोबत नहीं खेला तो बैग दून दे मम्मी कड़े। मिताक्षी कुठे चालली तू? कुठे चालली? बस यही होता है, मिताक्षी के पीछे आगे पीछे भागना होता है। तो मिताक्षी इस तरीके से एंजॉय करती है पार्क में, उसको खिलाना होता है। देखिए चलिए मिताक्षी आगे चलते हैं। ओके मिताक्षी, देखिए दोस्तों चढ़ने की कोशिश कर रही है। वेरी गुड मिताक्षी, वेरी गुड। दोस्तों अभी हम सोनू ने मेरे लिए ये पास क्या, थैंक यू। तो वीडियो मध्ये सर्व रेकॉर्ड होता है, अजून काय पाहिजे? झालं सर्व, आता डबल नाही होणार आहे, जसा आहे तसं नॉर्मली। तो सोनू ने कुछ फ्लावर्स वहाँ से तोड़े थे तो ये मुझे दिया, सो आई से थैंक यू फॉर दैट। और अभी हम जा आए, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे हम नॉर्मली मिताक्षी को लेके आते हैं खेलने के लिए। और देखिए मेरे पीछे ये बहुत ही खूबसूरत है और देखिए मिताक्षी अभी खेल रही है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो हम ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहते हैं। देखिए सोनू भी खेल रही है। सो देखिए पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अपन भी एंजॉय करते हैं, खुद ही एंजॉय करते हैं।
देखिए मिताक्षी को अभी मैं खिला रहा हूँ। थाम थाम वेट 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 मैं करता ना वेट वेट मैं करता वेट वेट वेट। तो मिताक्षी के साथ में भी एंजॉयमेंट करना होता है। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं ऐसे। अभी लगभग 12 बज चुके हैं, 12:30, तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ बहुत भीड़ होती है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, यू कैन सी बच्चे खेलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मिताक्षी के पीछे मुझे भागना होता है। तो मिताक्षी की बैग वहाँ रखी है तो मैं लेके आता हूँ। नॉर्मली हम बैग नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी अपना। तो मिताक्षी का बैग मैंने ले लिया है दोस्तों, करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मिताक्षी कहाँ है, मिताक्षी को भी ढूंढ लेता हूँ। तो मिताक्षी यहाँ है एंड शी इज हर न्यू फ्रेंड। मिताक्षी क्या कर रही हो आप? बस मिताक्षी ऐसे ही खेलती रहती है दोस्तों। ये देखिए उसके पापा अच्छे से फ्लूट बजा रहे हैं, ऐसे ही लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मिताक्षी भाग रही है अभी, देखिए यहाँ बच्चों का एक चीज़ होता है कि यहाँ बच्चे मिट्टी में भी खेलते हैं, तो कोई पेरेंट्स रोकते नहीं है, जैसा खेलना है वैसा ही। अरे 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 मिताक्षी की आंखों में गया है मिट्टी, साफ कर लेते हैं। वेट 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 वेट, वेट। हो गया, चलो फुर जा। तो लोग मना नहीं करते, खेलने देते हैं। देखिए इसके नीचे भी खेल रहे हैं और मिताक्षी भी खेल रही है। बराबर है मिताक्षी, आपको अच्छा लग रहा है? वेरी गुड, एन्जॉय योर टाइम। तो दोस्तों सैटरडे संडे होता है, यहाँ ऑफ होता है, तो हम भी सोचते हैं कि बच्चे तो वैसे घर से बाहर निकलते नहीं है मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे और संडे हम पर्पसफुली उनको बाहर लेके आते हैं। यहाँ पे लगभग सभी पेरेंट्स वैसे ही करते हैं, सभी बच्चों को बाहर लेके आते हैं सैटरडे और संडे घूमने फिरने के लिए, तो बच्चों का भी एन्जॉयमेंट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बच्चे भी अपना खुद का टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम। चलो दिखाता हूँ मिताक्षी को एक बार। और मिताक्षी तू काय करता है, तुझे बोटा हाथ में गेले? डोळ्यावरून टाकायचे घेत आहे ना माती? व्हेरी गुड, खेळायचं असंच। बघ 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 तो इस तरीके से मिताक्षी खेलती रहती है, अपना टाइम स्पेंड करते रहती है, उसको भी अच्छा लगता है। ते फिश कर जाऊँ, चला जा फिश कर जा, उठो आ जा, हाँ जा फिशला जेवन देऊन दे, जा लवकर जा, जा जा लवकर जा फिशला चारून दे। तो मिताक्षी फिश को खाना खिला रही है। बिल्कुल है, अच्छा है, वेरी गुड। मैं नहीं करता, देखिए बच्चे खेलते रहते हैं दोस्तों। तो मिताक्षी को अभी हम जिराफ की तरफ लेके जाएंगे। आ जाओ मिताक्षी, दौड़ो आगे दौड़ो। ओला अमिगो, से ओला मिताक्षी, से ओला।
कमोतिया माँ आए माँ बनी तो देखो दोस्तों अभी मिताक्षी नीचे से आएंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, और नीचे से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं येत आहे, तू तोंडात काय तरी टाकलं ना खराब वाला खायचं, आता तू गंदी मुलगी आहे, असं काही टाकायचं नाही गंद तोंडामध्ये, ठीक आहे। इधर आ जाओ मिताक्षी, दिसला का तो जिराब, तो ये जिराब आहे, तो धाव धाव मम्मीकडे जा, तू मम्मीकडे जिराब दिसेल तुला। तो मिताक्षी को आप जिराब दिखाने के लिए लेके जा रहे, दिसला का तो क्या जिराफ, दिसला का जिराफ, मम्मी इकड़े खेड़ा था, दिसला जिराफ। देखिए दोस्तों पिजन उड़ेंगे नहीं यहाँ से, आप कितना भी पास चले जाइए। अरे उड़ गए। मिताक्षी डर गई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये है जिराफ, मिताक्षी देखो अभी चढ़ने की कोशिश करेंगी, चढ़ चढ़ चढ़ना, अगर चढ़ता नहीं पकड़ तो ना जाना। डर गए आप, डर आपको डर लग गया। हाँ तो जीरा पहने एक है सामोर, बसता नहीं है तू, जा जा ना, तो काय ना करत, ते काय ना करत। हाँ चल अच्छा, ताक्षी अभी नए दोस्तों के साथ भी खेल रही है। ओला अमिगो, मिताक्षी झालं खेळून, ए मिताक्षी तू पण जूते खराब करत आहे बेटा, तो दोस्तों लोग ऐसे ही खेलते यहाँ पे। तो मिताक्षी कोशिश कर रही है जूते निकालने की, उसके जूतों में मिट्टी चली गई है, इस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। निकालो ना, आप रो क्यों रहे हो, ठीक है मैं निकाल देता हूँ। ओके डन, जाओ खेलो अभी, दूर खेलना लेकिन दीदी से दूर रहो। चार चार आटे था, हो गया मिताक्षी खेल के। तो दोस्तों बच्चों के साथ में बच्चे भी बच्चे बन जाते हैं, तो होना ही है, लेकिन बच्चे थोड़ा यहाँ के अलग टाइप के हैं, मतलब मिट्टी में खेलते हैं और उनके पेरेंट्स बैठे बैठे देखते हैं। इंडिया जैसा नहीं है कि मत करो, जैसे मैं भी हमेशा बोलता मिट्टू ये मिट्टू ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन ठीक है अभी शी इज़ अलाउड टू डू दिस थिंग्स। देखिए अभी वो कैसे परेशान कर रही है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स कर लेता हूँ, क्योंकि मिताक्षी अभी खेल रही है और सोनू को उस काम पे लगाया है कि उसको देखे। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, मतलब अच्छा लगता है, लोग आते हैं अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ का टाइम स्पेंड करने का तरीका बहुत अलग होता है, मतलब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पे, कोई आर्ट सीखेगा, कोई कुछ की किसी चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा, कोई गिटार बजाएगा, कोई फ्लूट प्ले करेगा, मतलब यहाँ के लोगों की हॉबी बहुत अलग अलग है। ऐसा ही नहीं है बच्चे ही यहाँ पे एंजॉय करते हैं, बट उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो चलो दोस्तों सोनू के पास में चला जाए, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं एक बार। मिताक्षी जाला का खेडून तुझा फिजन, देखिए दोस्तों तू काय करता मिताक्षी, इथे बघ तिला तोडायला लाव। दोस्तों मिताक्षी और a new friend of her is enjoying and they are trying to have the conversation but unable.
एंड ही इज बेसिकली हर फादर. होला अमिका कमतियामा कमतियामा अबाला करना सही हो. कमेस्तास पापा. तो दोस्तों अभी जहाँ मैंने ये पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये पेड़ है अखरोट का पेड़. अभी मतलब मुझे ये मेरे ये दोस्त ने मुझे बताया कि ये अखरोट का पेड़ है और ये हम खा सकते हैं, तो मैंने भी उसको टेस्ट किया. ये सेम अखरोट ही है. तो देखिए यहाँ पे पार्क में अखरोट के पेड़ है और आप खा सकते हैं इसको. यू कैन सी दे आर ट्राइंग टू ईट. मिताक्षी काय झालं? है मम्मी इकडे आहे ना, तुला खायचं आहे का? ये देखिए दोस्तों ये पूरे अखरोट है और ये हम खा सकते हैं. देखिए कितने सारे पिजन यहाँ पे आए हैं. सी देखिए दोस्तों त्यांना चारू शकता तू? चार मी तो असं कर, हातात पकड, हातात ठेव, हातात हातात असं करायचं, असं पकडायचं, त्यामध्ये मम्मी देते ना तुला. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. बोला तो आपके यहाँ पे पिजन उड़ते नहीं है अपने, आप कितने पास चले जाइए कुछ कुछ उड़ जाते हैं. दिस इज वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया. या बट हियर वी कैन सी ऑन द ट्रीज एंड एवरीवन कैन ईट. पाणी दे तिला मिताक्षीला. मी तो फेकायचं नाही. मिताक्षी चार ना त्यांना पिजनला, हे चार ना. एव्हरीवन इज इटिंग द अक्रोड्स एक्सेप्ट मिताक्षी. मिताक्षी को किसी भी बात का टेस्ट नहीं है. सी सी क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? देखिए मैंने उनको खिलाया. सी दोस्तों खाने के लिए कैसे है अखरोट खाने के लिए यहाँ के पिजन. करा साथ काय ना करत बघ बघ बघ. वाव देखिए सो दोस्तों इस तरीके से हमें अखरोट भी खाने को मिले और मिताक्षी का भी खेलना हो गया. यस मिताक्षी आप खेलना हो गया आपका. हाँ बोलो तुला अजून पाहिजे जा मम्मीला माग. सो अभी मैं इस व्लॉग को कंक्लूड करता हूँ. थोड़ा सा मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ. कुछ नए दोस्त मिले हैं, बने हैं ऐसा बोल सकते हैं, तो उनसे भी बात कर लेता हूँ. सो दिस संगरत्ना साइनिंग ऑफ.